सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर शिव बाबा, हम बच्चों को अपने जैसे बनाने के लिए, बहुत ही ऊंच उठाने के लिए संगम युग पर आकर वरदानों से, ज्ञान की रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। तो बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। बाबा का कहने का अर्थ है कि 24 घंटे हमारे चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए, मन में नशा होना चाहिए और उमंग होना चाहिए कि हमें ब्रह्मा एडॉप्ट किए हैं और ब्राह्मण बनाए हैं। बाबा कहते हैं, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं, दूसरे कोई नहीं समझ सकते इस बात को। निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे मात पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो देवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। बाप तो इकट्ठा है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं, यह टीचर भी है। बाप दादा के वीगर ना कुछ बता ना सके, बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि यह नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, एक परमपिता परमात्मा को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है। अनेक शरीर का नाम जानते हैं, हमारा बाबा, हमारी माँ फलानी जगह, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्य ने फिर सट में लिख दिया है, मनुष्य ने जो बनाया है उनमें कुछ ना कुछ रंग है। भल गायन है, तमे वो मातश्च पिता तमे वो, यह एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, ना विष्णु का ना शंकर का। गाते तो हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। कृष्ण की याद कोई कर ना सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे, क्योंकि उनकी महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहां जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धियोग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करो। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते। तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते, यह तो महाराजा महारानी है। उनका बच्चा ही मात पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं, हे भगवान, हे भगवान। किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं। अगर यह ज्ञान होता मैं आत्मा हूं, उनको बुलाता हूं, तो यह समझे कि निराकार परमात्मा है और वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अब मात पिता कहेंगे तो शिव पिता ठहराना, तो माता ब्रह्मा ठहरी, क्योंकि ये कलप कलप बाबा करते हैं। बाबा कहते कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। आत्मा क्या है, कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है, और कुछ भी नहीं जानते। यह कह ना सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है, आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दूसरे परिवार में चली जाती है, बदल जाता है सब कुछ। कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है,
माँ पिता जिससे जन्म लिया उनको भी मानते हैं, फिर जो एडप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। तो बाबा ऐसे ही कहते हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ जब दूसरा लेता है उसका सब कुछ बदल जाता है। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, हम परमपिता परमात्मा के संतान बने हैं। यह हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को एडप्ट करता हूं, शिव बाबा कहते हैं। यह कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सम्मुख के कोई समझ ना सके। जो बच्चे सामने बैठ के सुन रहे हैं वही समझ सकते हैं। दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जिनकी बुद्धि में बैठता है। गाया जाता है, तुम्हें वो माताश्चो पिता तुम्हें वो, याद किया जाता है शिव बाबा, जो परम पिता परमात्मा उनको याद करते हैं लेकिन समझते नहीं है। तुमको भी कहेंगे, तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर लिया है। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है। यहां रहने वाले भी कोई किसी को इतना भी समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा है। यह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, आदि देव तो हैं, फिर आदि देवी को मुकरर किया जाता है। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके एक पर्सन को कोई नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में जगत अम्बा का मंदिर है, शक्ल अलग अलग है। जगत अम्बा है कौन यह कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वो तो है ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, बस ये निश्चय होना चाहिए। ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है, मनुष्य कोई को भी पावन नहीं बना सकते हैं। पावन कौन बनाएगा, एक शिव बाबा। बुद्धि भी कहती है सतयुग में श्री भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है, नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो चंद्रवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी आते हैं। वरवर लक्ष्मी नारायण का राज्य था सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में। अच्छा, उनके आगे क्या था यह कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्य वंशी, कलिग में होते हैं शूद्र वंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा मुख से एडप्ट किए हुए हम बच्चे हैं। कोई को भी ख्याल में नहीं आएगा क्योंकि बुद्धि में है कलयुग, अभी तो बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए यह ख्याल आते ही नहीं। अभी तुमको यह ख्याल आता है। कोई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। समझते भी हैं फिर किसी को समझा नहीं सकते। यह तो जरूर होगा सब एकरस्त समझदार बन ना सके। सब अपने मनोस्थिति को एकरस नहीं बना सकते, समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते हैं समझाते हैं उनका नाम बला होता है। तो बाबा कहते हैं देवताओं ने तो कोई उससे लड़ाई नहीं की, किसी से लड़ाई नहीं की। लड़ाई से कोई विश्व का मालिक बन ही नहीं सकते हैं। विश्व के मालिक जो थे उन्होंने यह लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहां लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया है क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाए तो आपस में प्रीत रखें तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। तो बाबा धारणा में कहते हैं
स्वयं में धारण करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। लौकिक संबंधी से बुद्धि योग निकाले, एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यह तुम्हारी धंधा है। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए तीन बातें साथ साथ चाहिए। एक है रूहानियत, दूसरा है रूहाव और तीसरा रहम दिल का गुण। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे व कर्म में दिखाई दे तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। तो बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूं, मैं संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूं। इसी के साथ मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए 24 घंटा याद करना है कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।